नमः शिवाय। मैं रितिका स्पिरिचुअल इंडियन में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं ललिता सहस्त्र नाम सीरीज में श्लोक ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक 44 से श्लोक 49 तक का अर्थ संस्कृत को हिंदी में आपको सरल भाषा में बताऊंगी माँ के उन वाग देवियों और मातृपुष्पुंदरी के आशीर्वाद से। इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने पूरी ललिता सहस्त्र नाम की प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है, तो चलिए शुरू करते हैं माँ के आशीर्वाद से। निर्लेपा निर्मला नित्या श्लोक 44 है। निराकारा निराकुला, निर्लेपा मतलब शी इज नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग टू एनीथिंग, शी हैज क्रिएटेड दिस इंटायर यूनिवर्स। ना जाने कितने ब्रह्मांड उसने क्रिएट किए हैं, लेकिन वो उन चीजों से कोई अटैच नहीं है इन चीजों से, सो शी इज नॉट अटैच विद एनीथिंग। निर्मला जो सभी ऑल द इम्प्योरिटीज, जितनी भी इस वर्ल्ड में इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारे हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, सो इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस, इट्स टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियस, सो द कॉन्शियसनेस इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, कोई भी सभी अशुद्धियों से मुक्त है। नित्य वह जो शाश्वत है, नित्य है, किसने बनाया था, दे शी इज द वन जो इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थी, असंख्य ब्रह्मांडों के बनने से पहले भी थी, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद भी होगी, शी इज द शाश्वत, शी इज द इटर्नल। निराकारा वह जो निराकार है कोई, अब यहाँ इसका मतलब आप सुन चुके, हम बोलते हैं ना भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं घोड़े में भी हूँ, मतलब ये बोले हर फॉर्म में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो यहाँ बोला गया कि उसको आप किसी फॉर्म से बांध नहीं सकते हैं, वो हर जगह है, शी इज एवरीवेयर, वो आपको करने के लिए शी इज टेकिंग एवरी फॉर्म। वो गाय में भी भगवान है, हर जगह हमारे हिंदू सनातन ऐसा है जहाँ बोला जाता है हर जगह कण कण में भगवान है, तो शी इज टेकिंग एवरी फॉर्म, सो यू कैनॉट बाइंड हर टू वन फॉर्म, एक फॉर्म में आप उन्हें नहीं बांध सकते हो, निराकार है वो। निराकुला जो बहुत काम है, आप मदर डिवाइन को देखो, अगर आप एकदम जो बंदा द पर्सन हु रीच टू द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो जो तुरियावस्था बोलते हैं जिसमें जब आप उनको पहुंच जाते हो तो वो एकदम काम पीस ऐसा होता है ना, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, शी इज वेरी काम, नॉट एजिटेटेड बाय एनीथिंग, कोई गुण। निर्गुणा, अब गुण क्या होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, सो शी इज निर्गुणा, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, इन सारे गुणों से वो मुक्त है। आप जब अपनी कॉन्शियसनेस में काम करोगे, प्योरिफिकेशन तो एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ योर इमोशंस, मैं हमेशा माइंडफुलनेस की बात करती हूँ, कि अगर आप हर गुण को बिना किसी संस्कार के इधर ऑफ क्रेविंग और अवर्जन किसी उससे आप देखना शुरू करोगे, तो ना आप राग जगाओगे, ना द्वेष, तो ना ही आपका सत का संस्कार जगेगा, ना ही रजस का जगेगा तमस, पर ये अवस्था पाना बहुत टाइम लगता है। दिस इज व्हाट इज सेइंग कि जो मदर डिवाइन है वो सारे गुणों से मुक्त है, बट जब आप ललिता सहस्त्र नाम की चैंटिंग करना शुरू करोगे, ग्रेजुअली यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कॉन्शियसनेस, सो यू विल बिकम वन टू मदर डिवाइन, सो वो जो है इन सारे गुणों से मुक्त है, जिसका जो डिवाइडेड नहीं है, जैसे मून है, जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की 14 कलाएं होती है, दैट इज डिवाइडेड, अब धीरे, लेकिन वो शी इज डिवाइडेड, शी इज नॉट अनडिवाइडेड, उसकी कोई वो नहीं है। शांता जो पीसफुल है, निष्कामा जो इच्छा से रहित है, इतना यूनिवर्स उसने बनाया, भी एक बार बोले ना कि जो नित्य है, निराकार है, निराकुल है, जिसमें कोई डिजायर है ही नहीं, उसने क्रिएट किया लेकिन उसकी कोई डिजायर ऐसा कुछ नहीं है, सो ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू विल बिकम वन टू गॉड्स, लाइक कोई डिजायर आप में रह नहीं जाएगी, फर्स्ट शी विल फुलफिल ऑल योर डिजायर, देन शी विल हैविंग, पढ़ा था ना कुठारिका, शी विल कट द कॉर्ड। ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना बोली जाती है भोग और मोक्ष दोनों देती, कैसे, फर्स्ट शी विल गिव यू व्हाट यू डिजायर, देयर आफ्टर शी विल कट द कॉर्ड्स एंड शी विल टेक यू टू द मोक्ष। ठीक, वो जो इच्छा से रहित है, वह जो अविनाशी है, जो अविनाशी, नॉट एफ्लिक्टेड बाई एनीथिंग, अविनाशी है, जो पहले भी था, एक था ना सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा राज था, ये जग रहे ना या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था, तो शिव के साथ उसने ये यूनिवर्स बनाया है। नित्य मुक्ता, अब श्लोक नंबर 45 आपका है, नित्य मुक्ता वो जो संसार के बंधनों से मुक्त है, एंड निर्विकारा जो कोई भी विकार, अभी बताया ना राग, कोई भी उसके अंदर कोई विकार नहीं है, राग द्वेष कोई भी ऐसे संस्कार नहीं है। ठीक, निष्प्रपंचा जो इस ब्रह्मांड की नहीं है, मतलब शी हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, जो इस सब में कुछ नहीं है, मतलब जो इस ब्रह्मांड की है ही नहीं, उसने तो खुद बनाया है, सब के ब्रह्मांड कितने बनाए हैं उसने। निराश्रया जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, एक था ना कि शी इज एन इंडिपेंडेंट, वो किसी चीज पे माँ, शी इज नॉट द वन हु विल बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन। निराशया जो किसी चीज पे आश्रित नहीं है।
नित्य शुद्धा, वो जो इटर्नली प्योर है, नित्य बुद्धा, जो ऑलवेज अवेक इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, बुद्धि जो कहते हैं सरस्वती, जो आपकी कॉन्शियसनेस में हमेशा रहती है, जो या फ्लॉलेस है, शी इज फ्लॉलेस, निरंतरा, जो सर्वव्यापी है, ऑलवेज देयर, पहले भी थी, इस ब्रह्मांड के बाद भी होगी, हमेशा वही है, निष्कारणा, जो बॉर्न बाय हरसेल्फ है, निष्कलंक, जो स्टेनलेस है, दोष रहित है, निरुपाधिर, बियॉन्ड ऑल ऑफ पोजिशंस, सो निरुपाधिर निरीश्वरा, निरुपाधिर बियॉन्ड ऑल पोजिशन, हम एक फॉल्स आइडेंटिटी अपने पोजिशन के बेसिस पे करते हैं ना, मतलब बहुत सारी फॉल्स आइडेंटिटी हमने अपनी क्रिएट करके रखी है ना हमारी कॉन्शियसनेस से, सो यहाँ वही बात करी जाए, शी इज बियॉन्ड ऑल पोजिशन, निरीश्वरा, देर इज नो लॉर्ड अबव हर, उसके ऊपर कोई नहीं है, निरीश्वरा, निरागा, वह जिसकी कोई इच्छा, शी इज डिजायरलेस, उसके अंदर कोई ऐसी डिजायर नहीं है, राग मथनी, अब ये बात कही, निरागा, राग मथनी, जिसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, राग मथनी मतलब जो ललिता माँ की शरण में आ गया, जो त्रिपुर सुंदरी की उसकी सारी डिजायर्स हो, फर्स्ट शी विल फुलफिल ऑल योर डिजायर, ग्रेजुअली भोग और मोक्ष बोला जाता है, फ्रॉम देयर शी विल मेक यू डिजायरलेस एंड देन शी विल कट द कॉर्ड्स इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, और आपकी सारी डिजायर खत्म करके शी विल टेक यू टू द पाथ ऑफ निर्वाण, राइट, निर्मदा मदनाशनी, जिसमें कोई प्राइड नहीं है, मदनाशनी, जो अपने भक्त के, जो ललिता माँ की शरण में आ गया, जो अपने कॉन्शियसनेस में काम, वो मद को भी वो नाश कर देती है, फिर उसके अंदर ऐसा कोई भी फॉल्स प्राइड नहीं बचता है, निश्चिंता, कोई चिंता उसको नहीं, उसको ना पहले कोई चिंता थी, निरअहंकार, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं, निर्मोहा, शी इज नॉट अटैच्ड विद एनीथिंग, मोहनाशनी, शी विल, आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जब आप इस पाथ पे आओगे, यू विल स्टार्ट चैंटिंग ललिता सहस्रनाम, यू विल स्टार्ट प्योरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस, वो आपका सारा मोह खत्म कर देगी, निर्ममा, किसी चीज में कोई स्वार्थ नहीं है, राइट, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो कहो कि ये वर्ल्ड बना रही, उसके अंदर कोई है नहीं, शी इज लाइक प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, शी इज स्पॉटलेस, शी इज इटर्नल, शी डजंट हैव एनी प्राइड, शी इज नॉट लाइक, कोई भी उसके अंदर है ही नहीं, कोई स्वार्थ है ही नहीं आपको, ममता हंत्री, जो रिमूव्स ऑल अटैचमेंट, आपकी सारी ममता, जितना अटैचमेंट, निष्पापा, जिसमें कोई भी ऐसा कोई आपका पाप के बिना है, पाप नाश नहीं, और आपके जितने भी आपने बैड डीड्स करी हैं उनको वो नाश कर देगी, निष्क्रोधा, जो क्रोध से रहित है, जिसके अंदर कोई बहुत सौम्य है, ठीक है, क्रोध शमनी, और जो आपके सारे क्रोध को, जो भक्त है ललिता माँ का, जो सहस्रनाम पढ़ते हो, क्रोध खत्म कर देगी, निर्लोभा, आपके जो लोभ, जिसमें कोई लोभ नहीं है, बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स, और जो ललिता माँ का भक्त, उसके अंदर की जो लोभ है, जो जिस इस तरह के संस्कार हैं, उन संस्कार, ये सारी बातें आपके संस्कारों की जा रही है कि वो कैसी हैं, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सरेंडर टू ललिता माँ, यू स्टार्ट चैंटिंग, यू विल बिकम लाइक हर, तो वो उस चीज को भी आपके खत्म कर देगी, निसंशय, जिसमें कोई डाउट नहीं, हमेशा में डाउट रहते हैं ना, वो उसमें कोई डाउट नहीं है उनमें, और संशय अग्नि, मतलब आपके सारे डाउट को वो खत्म कर देगी, निर्भवा, वो जिसका कोई मूल, नॉट ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, भवनाशिनी, पढ़ा था ना कुठारी का, वो आपका भव, भव इज द मटेरियलिस्ट वर्ड फॉरेस्ट, तो इससे आपको वो मुक्त कर देगी, निर्विकल्पा, वो जो कभी झूठी कल्पनाओं से मुक्त है, निर्बाधा, जो कि सभी बाधाओं से मुक्त है, निर्भेदा, कोई वो भेद नहीं है, देर इज नो लाइक भेदों से परे है, जो हम सारा भेद करते हैं ना, वी से कि हम और भगवान एक है, हम बोलते तो है लेकिन फिर भी वी डू बेस्ड ऑन अवर कॉन्शियसनेस लेवल वी डू, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि कोई भेद नहीं है, भेद नाशनी, मतलब अगर आप ललिता माँ की शरण में आ गए हैं, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉन्शियसनेस, स्टार्ट चैंटिंग, भेद ना, वो जो आपके अंदर आप हर जगह सिर्फ आपको सिर्फ ललिता दिखाई गई, किसी में भी चाहे वो कोई भी है, वो दैट विल यू विल सी इट एज अ फॉर्म ऑफ मातृपुर सुंदरी, निर्नाशा, बियॉन्ड दैट, मृत्यु मथनी, मतलब जो आपके डेथ का जो फियर है ना उसको खत्म कर देगी, अब इसका मतलब समझते हैं, मैंने एक जगह ये स्टोरी सुनी थी तो मैं उन्हें शेयर करना चाहूंगी विद ऑल द ग्रैटिट्यूड जिन्होंने ये बताया था, और मैं शायद उधर उनकी एक मीडियम बन रही हूँ आप तक ये बात पहुंचाने में, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था, विद ऑल द ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट टू द लेडी जिनकी ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, मृत्यु मथनी, जैसे एक कैट होती है, ठीक है, जब वो रैट के पीछे भागती है किल करने के लिए, तो रैट कैसे स्कैटर होके भागता है, इधर उधर भागता है, डर के भागता है, एंड व्हेन शी हिटिंग द कैट रैट,
वो डर होता है, लेकिन वही कैट जब अपने बच्चे को उठाती है, अपने किटन को उठाती है, तो कितने जेंटली अपने टीथ में से पकड़ के वो उठा करके एक प्लेस से उनको दूसरे प्लेस पे रख देती है ना, करती है। वही अपने बच्चे के लिए उसके प्यार, वो जो टूथ है उसके वो उतने शार्प वैसे नहीं, वो बहुत प्यार से उसको सेफ जगह पहुंचा देती है। इसी तरह जब हम इस थर्ड डायमेंशन में आते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी सोल भटक रही है, राइट, जब हमारा डेथ का टाइम आएगा तो वी आर नॉट फियरफुल अबाउट आवर डेथ, वी नो दैट वी हैव सरेंडर्ड टू माँ त्रिपुर सुंदरी, और हमारी माँ बहुत सॉफ्टली, हमारे गुरु, हमारी माँ जिन्होंने है हमें उठा के एक बहुत सेफली जगह वो पहुंचा देगी, वी विल नॉट बी फियरफुल अबाउट डेथ। तो इसका मतलब ये हुआ निष्क्रिया निष्परिग्रह। निष्क्रिया मतलब वो जो बिना क्रिया के, जो कोई उसमें वो नहीं है, निष्परिग्रह वो जो कुछ प्राप्त, जिसे कुछ चाहिए नहीं, शी डजंट नीड एनीथिंग, व्हाट शी नीड इज योर डिवोशन, शी नीड्स योर लव एंड शी डजंट नीड दिस एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। निस्तूला मतलब शी इज फियरलेस। नील चिकुरा शी इज लाइक ऑल टॉकिंग अबाउट द मदर डिवाइन हेयर्स, लाइक जिसके चमकीले काले बाल है, करो विजुलाइज। वह जो अविनाशी है निरत्यया, जो जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, दुर्लभ, शी इज दुर्लभ मतलब जो बहुत दुर्लभ है, जिसको बड़ी मुश्किल से, अगर आप कुंडलिनी साधनाओं में आते हैं, आप उसमें आते, बहुत जन्म लग जाते हैं इन उस चीज को अटेन करने के लिए, और इट इज लाइक बहुत साल लग जाते हैं आपको अपनी कॉन्शियसनेस में काम करने को, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कि आप सब कुछ समता भाव से देखिए, इट टेक्स टाइम, सो दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है वो। बट भक्ति वश्य, एक था ना भक्ति डिवोशन, सरेंडर करोगे तो इजिली है। दुर्गम जो अत्यधिक प्रयास से ही सुलभ है, अप्रोच जिसको बहुत मुश्किल से किया जा सकता है, बट शी इज ऑल्सो अ भक्ति गम्य, आप ऐसे नहीं पा सकते, लेकिन भक्ति माँ के उसमें आओगे, सरेंडर करोगे, डिवोशन माँ जैसे एक बच्चा करता है, माँ कितनी स्ट्रिक्ट होती है जब कोई, लेकिन जब उसका बच्चा करता है तो माँ कैसे चली जाती है, बस वही है। दुर्गा वो जो शी इज वेरी फियरलेस, दुर्गा है बहुत, देवी दुर्गा दुख हंती जो आपके दुखों का नाश करती है, सुख प्रदा जो आपको सुख देती है। तो ये था श्लोक 50 यहाँ तक। अब अगले वीडियो में हम श्लोक 51 से फर्दर श्लोकों का अर्थ समझेंगे। नमः शिवाय। और अगर ये आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में भी और लोगों को ये हेल्प कर सकता है, देखिए अच्छी चीज़ लोगों के साथ शेयर करने में ना आपके एक अच्छे कर्म ही होंगे और आपकी हार्ट कॉन्शियसनेस ही बढ़ेगी, राइट, आपका हार्ट चक्र ओपन अप होगा। तो प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों तक हम माँ के स्वरूप को, उनकी कॉन्शियसनेस को उन्हें बता सकें और पहुंचा सके, और जब समय आएगा तो डेफिनेटली एक मास्टर उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे जो उन्हें आगे ले जा सकेंगे। नमः शिवाय।